भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आज भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और इनके जीवन में अनेक औरतें आईं और गईं, लेकिन इनके जीवन में एक औरत ऐसी है जिनसे पवन के जीवन की शुरुआत होती है, जिससे पवन के जीवन की शुरुआत होती है। अगर वो औरत दिन को दिन कह दे तो पवन सर झुका के मान लेंगे, और अगर मंदिर में बैठे देवता को पत्थर कह दे तो पवन उसे पत्थर कहने में भी देरी न लगाएंगे। बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, सिर झुकाए पवन सिंह अगर किसी औरत के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वो और कोई नहीं, उनकी माँ है। जी हाँ, कई मर्तबे और कई मौके पर ऐसा देखा गया है कि पवन सिंह अपने माँ के बहुत ही करीब हैं और माँ से दूर रहना उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर माँ ने कह दिया कि ये करना है तो पवन बगैर सोचे समझे वो काम कर देते हैं। इसका हाल ही में आपने एग्जाम्पल देखा होगा ज्योति सिंह के रूप में। जी हाँ, कहाँ तो ये कहा जा रहा था कि पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ सात फेरे लेकर अपना सुखी संसार बसाएंगे, लेकिन पवन सिंह की माँ को अक्षरा सिंह बहू के रूप में कतई पसंद नहीं थी। पवन सिंह की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी फिल्मी हीरोइन पवन सिंह की जीवन संगिनी बने, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल पवन सिंह की पहली शादी से ही उनकी माँ ने सीख लिया था, जब पवन सिंह ने घर के खिलाफ जाकर एक्ट्रेस रीना रानी से शादी की थी, जो कि पहले से ही तलाकशुदा थी और एक बच्चे की माँ थी। हालांकि उस शादी की परिणति कुछ अच्छी नहीं रही और इन दोनों के बीच तलाक हो गया। फिर पवन ने अपनी माँ की पसंद की लड़की नीलम से शादी की, और यह शादी भी मात्र 4 महीने चली और नीलम ने पवन के घर में ही खुदकुशी कर ली। हाँ, उसके बाद कई मर्तबा माँ चाहती रही कि पवन सिंह किसी और से शादी कर ले, अपना घर बसा ले। नीलम के मौत के 4 से 5 साल बाद पवन ने शादी की, और वो भी माँ के पसंद से। बस माँ ने पसंद कर लिया, फलाना लड़की है तुम्हें इससे शादी करनी है। पवन सिंह बुझे मन से ही सही, लेकिन ज्योति सिंह से शादी करने को तैयार हो गए। हाँ, ये बात और है कि आज पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो ये भी उनकी माँ के कारण ही हुआ है। माँ जैसे जैसे कहती हैं, पवन बिल्कुल वैसा ही वैसा करते जाते हैं। वैसे भी कहा ही जाता है कि माता पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तो सेम पवन के पिताजी तो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ ने बखूबी पवन के हर अच्छे बुरे समय में उनका साथ दिया है, इसलिए शायद माँ का सम्मान करना पवन कभी नहीं भूलते। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।